हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और इससे पहले की वीडियो में मैंने शेयर किया था वीक फर्स्ट का स्टडी प्लान, जो कि पार्ट फर्स्ट के लिए ओनली था, जिसके 6 पार्ट्स थे, जिसमें हिस्ट्री सॉरी जीके जीएस और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और सीडीपी के लिए प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम पार्ट टू को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि ओनली पार्ट फर्स्ट से कोई काम नहीं चलने वाला है। पार्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट भी है, जो कि हमारा अपना सब्जेक्ट है, जो कि इंग्लिश है। उसमें हमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों को इक्वली टाइम देना है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर से। सेकंड पार्ट का लिटरेचर हम साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स को भी पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ना है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है और साथ ही साथ ग्रामर को भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, वीक फर्स्ट का जो स्टडी प्लान है, उसमें मैंने ऐड किया है कि इस वीक मीन्स फर्स्ट वीक जो कि अभी चल रहा है, पार्ट फर्स्ट के साथ साथ पार्ट सेकेंड में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, जिसमें कि जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, या फिर नेट से या गूगल से या यूट्यूब से, जहाँ से भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो कंटेंट है वो मिल जाए, उसको आप स्टडी करेंगे और फिर उसकी आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक से आपको मिल जाएंगे, और कंटेंट आप किसी भी बुक से पढ़िए, फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मैटर है वो प्रिपेयर हो जाएगा, और उसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पहले पूछे गए हैं। और बस यही है कि वीक फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन जितना भी समय मिले आप उससे ट्राई करिए, स्टार्ट करिए और इसका प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा कि हमें एक रास्ता मिलता चला जाएगा और एक सीक्वेंस बन जाएगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस स्टार्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं, कितना कर चुके हैं और कितना हमें और करना है। ऐसे तो हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस हम अभी बना रहे हैं, इससे क्या होगा हमारे टॉपिक वाइज कंप्लीट होता चला जाएगा। और संडे में हम फिर से वो जो मॉक टेस्ट है उसको देंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस वीक हमने कितना पढ़ा है और किस सेक्शन में हम वीक हैं, हमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो यही है, और आज मैंने स्टार्ट किया है, जीएस मैंने कंप्लीट कर लिया है, जीएस का थोड़ा सा टॉपिक मेरा रहता है, और मैथ्स मैंने स्टार्ट किया है, मैथ्स पढ़ रही हूँ और ग्रामर भी साथ ही साथ पढ़ रही हूँ, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दे रही हूँ, जिससे कि वीक फर्स्ट का जो हमारा प्लान है वो कम्प्लीट हो जाए। और कोशिश करूँगी कि वीक का जो लास्ट डे है उसी दिन ही नेक्स्ट वीक का जो प्लान है वो शेयर कर दूंगी, जिससे कि फर्स्ट डे से ही आप उसको कर सकें। और आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, मैंने प्रोसेस भी बताया था लेकिन आप नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि वहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐप में अलाउ नहीं है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रही है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ डाल सकती हूँ, स्टडी प्लान जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगी आपको। 20 वीक्स का जो प्लान है वो एक ही साथ मिल जाएगा, अदरवाइज़ वीक बाई वीक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप मेरे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर वीक जो भी प्लान रहेगा, जो भी टॉपिक्स रहेंगे, उन्हें साथ साथ कंप्लीट करेंगे और फिर मॉक टेस्ट भी उनका देंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।